नमस्कार दोस्तों, 8 PM विद धर्मेंद्र कुमारी में आपका स्वागत है। पूर्व उपराज्यपाल, शिक्षाविद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और हरियाणा की राजनीति में, विशेषकर महिला राजनीति में एक बहुत बड़ा स्थान हासिल करने वाली बहन चंद्रावती जी का 92 साल की उम्र में कोरोना के चलते निधन हो गया। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार थी और काफ़ी समय से उनकी याददाश्त भी करीबन करीबन जा चुकी थी। वो बहुत बहुत अच्छी राजनेता रही हैं और उनके निधन पर प्रदेश भर में शोक की लहर है। दोस्तों, राजनीति है और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो या तो इतिहास बनाते हैं या इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। बहन चंद्रावती जी ने हरियाणा की राजनीति में कुछ इतिहास बनाए हैं। 1973 के चुनाव में उन्होंने जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए भिवानी लोकसभा क्षेत्र से चौधरी बंसीलाल को 1,67,000 कुछ मतों से हराया था और इस हार को चौधरी बंसीलाल ताउम्र नहीं भूल पाए थे। उस समय पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर चल रही थी और उत्तर भारत में लगभग कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। केवल 2 सीटें तब यहाँ पे मिली थी जिनमें से हरियाणा की कोई भी सीट शामिल नहीं थी। चौधरी बंसीलाल को यह लगता था कि भिवानी के क्षेत्र में वो हार ही नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर खाते लोगों में बहुत नाराजगी थी और संजय गांधी के साथ उनकी करीबी को देखते हुए उनको एमरजेंसी का खलनायक के रूप में पेश किया जाता था। तब नसबंदी जैसे जो कार्यक्रम थे उनको लेकर भी हरियाणा में विशेषतर खास चौधरी बंसीलाल के प्रति गुस्सा था। चौधरी बंसीलाल स्थिति को नहीं भांप पाए, लेकिन चुनाव में चंद्रावती ने उनको बहुत बुरी तरीके से हराया तो उनको यह आभास हुआ। राजनीति में उनसे जुड़े हुए लोग, राजनीति को जानने वाले लोग मानते हैं कि चौधरी बंसीलाल बहन चंद्रावती से अपनी इस हार को ताउम्र नहीं भुला पाए और उनको हमेशा इस बात का रंज रहा और जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने बहन चंद्रावती की राजनीति में की राह में रोड़े भी अटकाए। लेकिन राजनीति में यह स्वाभाविक क्रिया है। अब दोनों नेता हमारे बीच दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन उनके साथ काम करने वाले नेता, तरह तरह के अनुभव उनके पास हैं। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान जी, जिन्होंने बहन चंद्रावती को हराते हुए विधायक बने थे। बाड़ड़ा से पूर्व मुख्य संसदीय सचिव वो रहे हैं। देवीलाल जी के साथ बहुत नजदीकी से काम किया है और देवीलाल जी एक तरह के से उनका उनके ऊपर बहुत प्यार रहा है। रण सिंह मान जी, आपका चर्चा में स्वागत है। क्या आप बताएंगे कि बहन चंद्रावती जी से आपके कैसे संबंध थे? आपने उनके खिलाफ उनको हराया था, आप विधायक बने थे, आपने एक समय उनकी चुनाव में मदद भी की थी। किस तरह के अनुभव आपके उनके साथ रहे हैं और आप क्या कहेंगे उनके बारे में? सबसे पहले तो मैं राजनीति में उनका और मेरा वास्ता 77 के बाद पड़ा जी। मैं जब फर्स्ट टाइम जनता पार्टी से विधायक बना जी, तो उस टाइम वो जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष थी। अच्छा जी। और जी, और 82 में विघटन हो गया जनता पार्टी में, तो लोकदल बन गया था और 82 में फिर हम दोनों ही लोकदल में थे जी। तो टिकट उनको मिला, मैंने उनका पूरा समर्थन किया जैसा कि उन्होंने मेरा 77 में किया। अच्छा। और उसके बाद में जो है 87 में हमने आमने सामने भी चुनाव लड़ा, लेकिन 87 में जो था हमारी पार्टी का नाम उस टाइम लोकदल बहुना थे। अच्छा। और जीत मेरी दर्ज हुई। अच्छा, आप जीते। तो सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है जी कि वो उन्होंने उस इलाके में जन्म लिया, उस प्रदेश में जन्म लिया जहाँ लड़कियों को राजनीति तो क्या पढ़ाने में भी लोग संकोच करते थे जी। और वो गांव से उठ करके उन्होंने अच्छी शिक्षा ली जी। में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी किया, फिर उन्होंने अपना लो भी किया जी। और उसके बाद में चौन में वो पहली बार विधायक बनी और उसके बाद में उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसके बाद वो मिनिस्टर भी बनी हरियाणा में, पंजाब में भी थी, हरियाणा में भी बनी जी। और वो मेंबर पार्लियामेंट भी रही और पांडिचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रही जी। तो उनका लंबा जो राजनीतिक सफर था, उनमें अधिकांश बार वो जितने चुनाव वो काफी चुनाव लड़े और उनकी जीत ज्यादा अलकुम हुई, ज्यादा बार हुई और वो हारे सभी उसको याद करते हैं और मैं भी उनको एक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो उन्होंने काम किया और जी, उस समय जिस तरह का राजनीतिक माहौल था, उन्होंने बहुत कर्मठता से और अपनी कार्यशैली से लोगों को प्रभावित किया, तभी वो इतनी बार चुनाव जीत पाई।
जी मान साहब, जब इमरजेंसी के बाद जो एक देश में कांग्रेस विरोधी जो लहर चल रही थी, उसमें चंद्रावती जी ने बंसीलाल जी को भिवानी से बहुत बुरी तरीके से हराया, और ऐसा कहा जाता है, उसके बारे में अलग अलग कहानियां हैं, कि उस हार के बाद चौधरी बंसीलाल ताउम्र मतलब ये कोशिश करते रहे कि चंद्रावती जी से कैसे उस हार का एक बदला लिया जाए, और उस राजनीतिक प्रतिद्वंदता का उनको नुकसान भी उठाना पड़ा चौधरी बंसीलाल से। क्या इस बारे में क्या अनुभव, आपने क्या देखा था उस वक्त? एक बहुत ही स्वाभाविक बात है कि चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री रहे लंबे टाइम हरियाणा के जी, और वो सेंटर में भी जो है बड़े अच्छे विभागों के मंत्री रहे जी, रेलवे मंत्री भी रहे, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, और वो हारे तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ और कोई भी ये नहीं कहेगा कि वो चंद्रावती जी से हारे। वो लहर थी जनता पार्टी की, और अमृतसर से लेकर के और कलकत्ता तक के वो दो सीटें उस टाइम कांग्रेस को मिली। उत्तर भारत में जबरदस्त लहर थी जनता पार्टी की, और वो दो सीटें एक नागौर से नाथुराम जी मिर्जा जीत पाए थे टिकट पर, और कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से जीत पाए थे। बाकी सब जगह सफाया हो गया था कांग्रेस का, इवन इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, वो भी चुनाव हार, वो भी राजनारायण के। तो बहुत ही एक तरह से ये कहिए कि आप विषम परिस्थितियों का चुनाव था, तो बंसीलाल जी हार गए। मैं ये नहीं मानता कि वो बंसीलाल जी ने इतना उनके से द्वेष किया होगा, क्योंकि उसके बाद में जब जनता दल बना 89 में और चुनाव हुए, तो भी बंसीलाल जी जो उनको वो बात नहीं रही, और जनता दल के जो उस टाइम विकास पार्टी का गठन कर लिया था, तो उन्होंने चंद्रावती को समझौते में सीट दी थी। अच्छा। और वो चुनाव जीती थी, बाकी क्योंकि विकास पार्टी की जबरदस्त लहर थी भिवानी जिले में, खास करके पहले 7 सीट होती थी, अब परिसीमन के बाद में केवल 6 सीटें रह गई पुराने भिवानी जिले में, चार भिवानी में दो दादरी। अच्छा, कांग्रेस में उन दोनों ने साथ काम किया था? जी, कांग्रेस में लंबे समय तक दोनों साथ रहे, और मेरा जो राजनीतिक की शुरुआत है वो कांग्रेस विरोध से शुरू हुई थी। अच्छा, तब आप मतलब जवानी के दिन थे आपके? वो बिल्कुल थे, जवानी के दिन थे, और स्वभाव भी ऐसा था कि उसका मुझे खामियाजा भी भुगता है मैंने उसका स्वभाव का। हाँ जी, हाँ। लेकिन मेरे को अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने जब से भी मेरे को सत्ता में पहुंचा, मैं जनता पार्टी से या फिर लोकदल बहुगुणा से, तो मैंने हमेशा जनता की बात कही, मैंने नेताओं को खुश करने की चाटुकारिता की कभी सोची भी नहीं। अच्छा, चंद्रावती जी को उपराज्यपाल के रूप में भेजने का श्रेय किसको जाता है? कैसे वो उपराज्यपाल बने थे, क्योंकि ये तो राजनीतिक नियुक्तियां ही होती हैं। बिल्कुल है, हुआ ये कि जो है 87 में हमने आमने सामने चुनाव लड़ा जी, 77 में बना जो जनता पार्टी की प्रधान थी प्रदेश की, 82 में जनता पार्टी का विघटन होगा, लोकदल बना, लोकदल में 82 में टिकट चंद्रावती जी को मिली पार्टी से, वोट भी किया जैसा उन्होंने मेरा 77 में किया, तो चुनाव जीत गई थी जी। और 87 में जो था चुनाव काफी अंतर से भी वो हार गई थी, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि उससे कोई राजनीतिक इतना उठफेर हुआ हो। हाँ। और 87 में एक बात ऐसी हुई जो हरियाणा के लोग जानना भी चाहेंगे जी, कि मेरी चौधरी देवलाल जी से बहुत अच्छी छंती थी, ताउम्र उम्र मैं भी उनका मुरीद रहा। चौटाला साहब को दिक्कत हो गई फिर उससे? जी हाँ, मैं बता देता हूँ जी बात। हाँ हाँ, बताइए प्लीज, ये कमी लगा लो कि मैं खुल के बात करता हूँ, फिर खुल के ही करता हूँ। जब चौधरी देवीलाल जी के साथ आपकी अच्छी बनती थी तो किसी का लिहाज नहीं जी, क्या हुआ फिर? फिर चौधरी देवीलाल, लेकिन 87 में ओम प्रकाश चौटाला को ये भ्रम हुआ कि चौधरी देवीलाल से उनकी दूरी का कारण मैं हूँ जी, क्योंकि बहुत एजिटेशन किया उन्होंने उसको सीएम बनने में, और विधायकों की संख्या भी एक बार तो बहुमत से ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ थी जी, रणजीत सिंह जी जो थे, रणजीत सिंह उनके पक्ष में ज्यादा विधायक थे जी, लेकिन उसमें भी उन्होंने ये समझा कि उसका भी कारण मैं हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है और मेरा मानना है,
तो उन्होंने मेरे को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए कई चीजें की। कम सिंह भी चीफ मिनिस्टर बने, इंद्रावती जी जो थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो काबिल नहीं थी, वो उससे ऊंचे पद के लिए भी काबिल थी, लेकिन वो चुनाव में हार चुकी थी। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं राजनीति में, और हर आदमी जो टारगेट करता है कि मैं फला आदमी को नुकसान पहुंचाऊं, तो उसको क्या इसका ये मतलब लगा सकते हैं कि मान साहब एक समय ऐसा भी था कि चौधरी देवीलाल जो उनके मुख्यमंत्री के रूप में आप पसंद कभी एक सेकंड के लिए उन्होंने सोचा हो, ऐसा था कभी? नहीं, मेरी चौधरी देवीलाल से मैं कहूं ताउम्र भी नहीं, हम अलग अलग जी जी निष्कासित किया। अच्छा, आपको निष्कासित कर दिया जी? निष्कासित किया था तो मैंने एक चौधरी देव, उन दिनों महाभारत चल रही थी। अच्छा, और चौधरी देवीलाल को मैंने 9 पेज का लेटर लिखा, और वो लेटर उस समय जितने ये कहूंगा कि मीडिया में सब में छपा था, जगह मिली वो बेमिसाल थी। और यहाँ तक जो प्रतिष्ठित अखबार इंग्लिश ट्रिब्यून, तो ट्रस्ट का उस समय तो लेटर टू एडिटर भी छपना बड़ी बात होती थी, जनसत्ता, तो एडिटोरियल आए उसके ऊपर। जी जी, चौधरी देवीलाल को मतलब हिंदी का था किरण सिंह मान की करी करी, और दैनिक ट्रिब्यून का वो जुलाई 90 की बात है, और इंग्लिश ट्रिब्यून में हरियाणा धृतराष्ट्र, क्योंकि उन दिनों महाभारत चल रही थी, तो चंद्रा जी हाँ वो उनको लिखा। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया, वो मैं ये नहीं कहता कि कोई और बात थी, वो मेरे से लाड प्यार करते थे, और मेरे खिलाफ जब पार्टी से मैं अलग हो गया तो भी चुनाव मैंने भी लड़ा, निर्दलीय लड़ा, और उनकी पार्टी का उम्मीदवार थे उनके पक्ष में, उनको लाया भी गया, लेकिन मेरे बारे में उन्होंने अच्छा बोल रहा कि भी हरियाणा में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो थी वो मीटर सप्लाई होती थी, और जो फ्लैट रेट और स्लेब प्रणाली की देन है वो रणी सिंह मान का था, और मांग भी उनकी थी, और उसी को मैंने मंजूर किया था। तो वो मेरे खिलाफ मुझे कम से कम उनके साथ जो काम करने का अनुभव मिला, और उसके बाद मान साहब, मान साहब आपके मेरे प्रति आपके पास इतने राजनीतिक अनुभव हैं कि मुझे, मैं मतलब अगर 2-4 घंटे भी लगा रहूं तब भी शायद हमारी बात ना खत्म हो। मैं हरिभूमि टीवी के दर्शकों से बताना चाहूंगा कि मान साहब के साथ जल्दी मेरा एक इंटरव्यू आएगा, और मैं ये सारी बातें खुल के मान साहब हमारे साथ करने वाले हैं, मैं बहुत जल्दी उनका इंटरव्यू करूंगा। फिलहाल आज का दिन उपराज्यपाल चंद्रावती जी जो थी उनको श्रद्धांजलि देने का है, और मैं मान साहब से कहना चाहूंगा कि वो आखिरी समय में एक टीस लेके गई हैं इस दुनिया से, जो महिला कॉलेज की टीस थी उनकी। नहीं, उनको क्योंकि वो बहुत, उन्होंने ऐसी परिस्थितियां देखी थी जब लड़कियों को पढ़ाने में लोग संकोच करते थे जी, उसके प्रति भी जागरूक थी, और वो अपने भाषण में बोलती भी थी जी स्त्री शिक्षा के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में। और ऐसा नहीं है कि हमने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा तो कोई इज्जत में फर्क आया हो, मतलब आप जब मिलते थे तो आपके पास भी खबर आई होगी, आपके पास भी खबर आई होगी कि मेडिकल कॉलेज में, हाँ, पीजीआई में उनका इलाज नहीं हुआ था। हाँ, वो हुई थी जी। तो मैं पहला आदमी था जिसने ये बयान जारी किया कि उनके साथ जो बदसलूकी निंदनीय है जी, उनमें भर्त्सना की उसकी, और जी जी वो अखबारों में भी आया और सोशल मीडिया में भी चला। तो एक राजनीतिक विरोध या दूसरी पार्टियों में रहने का मतलब ये नहीं है कि आदमी जो है एक जो स्वाभाविक एक दूसरे की जो एक समान होना चाहिए उसमें फर्क नहीं आना चाहिए जी जी। और किसी भी खास करके एक इतनी बड़ी उम्र जिसने ले ली हो, और जिसको तत्काल एक मेडिकल हेल्प की जरूरत हो, और उसके साथ उस पर गौर नहीं करना, बिल्कुल सरकार का तो मैं क्या बोलूं, लेकिन निश्चित रूप से जिन लोगों ने उनके साथ किया कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमने मांग भी की। तो ये नहीं है, वो हमारे इलाके की थी, हमारे इलाके की शोभा थी। मैं उनको फिर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि भगवान जी से उभरने में। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जल्दी समय निकालते हैं, आपके जो राजनीतिक अनुभव है उनको मुझे रिकॉर्ड करने हैं,
और आपका बहुत प्यार मेरे साथ कई सालों से बना हुआ है, इसके लिए आपका बहुत आभार। हरिभूमि टीवी बना रहेगा, हरिभूमि टीवी से जुड़ने के लिए जी शुक्रिया आपका। आई एश्योर यू जी जी थैंक यू मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हम उपराज्यपाल चंद्रावती जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें।